पंखों से कुछ नहीं होता है जनाब, हौसलों से ही उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरी परब और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इरिपास 11 नेशनल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स मीट में, जिसे ऑर्गेनाइज किया है सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने। सबसे पहले तो सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने कीमती समय में से समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जेंटलमैन, आई टेल यू, you all are leaders, you all are achievers, and you all are looking so great today. So let's give a huge round of applause to yourself. एक बार अपने लिए सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इरिपा के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इरिपा वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1999 एंड दिस प्लेटफॉर्म वर्क्स फॉर ओनली रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द फ्रंटलाइन लीडरशिप एंड दिस इज द 11th मीट कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हुए जैसे कि आज तक की हमारी ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का साथ लेकर हम चल रहे हैं और इस मकाम तक हम पहुंचे हैं, और हम दुआ करेंगे कि हमारी ये जर्नी, हमारा ये सफर इसी तरह खूबसूरत बना रहे, और इसीलिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलन से। और इसके लिए, दीप प्रज्वलन के लिए, मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी इरिपा प्रेसिडेंट श्री अशोक के आर पाठक और मुंबई कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एंड चैरिटेबल एसोसिएशन प्रेसिडेंट श्री विकास यादव जी को। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ सर, आपके सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार जी, आप सब मिलकर यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे। इसी के साथ मुंबई कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एंड चैरिटेबल एसोसिएशन श्री उमेश प्रसाद जी को भी मैं स्टेज पर निमंत्रित करना चाहूंगी। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि दीप प्रज्वलन के साथ हम एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे ताकि इस दिए की रोशनी और हमारे तालियों की गूंज से हम आगे के सफर की शुरुआत कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आसन पर बैठ जाए। करते हुए सबसे पहले तो मैं आप सभी मान्यवरों का यहाँ पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मुंबई कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एंड चैरिटेबल एसोसिएशन प्रेसिडेंट श्री विकास यादव जी को कि वो यहाँ पर आए और इरिपा प्रेसिडेंट श्री अशोक के आर पाठक जी को सम्मानित करें। मुंबई कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एंड चैरिटेबल एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार जी से मैं गुजारिश करूंगी कि वो इरिपा जनरल सेक्रेटरी श्री राजेश मेघानी सर को सम्मानित करें। सुरेश जी को ये गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आकर इरिपा वाइस प्रेसिडेंट श्री एलेक्स सिरियाक जी को सम्मानित करें। सभी मान्यवरों का मैं फिर एक बार तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ। और दोस्तों, हम यहाँ पर बुलाने वाले हैं जोनल वाइज और कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिनके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स को मेरी गुजारिश होगी कि वो मंच पर आएंगे और हमारे साथ एक छोटा सा फोटो सेशन करके अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सदर्न रेलवे केरला डिविजन के प्रेसिडेंट, सदर्न रेलवे केरला डिविजन सेक्रेटरी एंड सदर्न रेलवे केरला डिवीजन ट्रेजरर को कि वो मंच पर आए। केरला डिवीजन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर विद ऑल केरला टीम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सब लोग मंच पर आए। और दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए द सदर्न रेलवे केरला डिवीजन के लिए। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपकी पूरी टीम के साथ। तीन डिविजन को मिलाकर बना है द ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। तो अब मैं गुजारिश करूंगी द वेस्टर्न रेलवे गुजरात कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन से कि वो मंच पर आए अपनी पूरी टीम के साथ। सभी मान्यवरों को फेलिसिटेट करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ इरिपा वाइस प्रेसिडेंट श्री एलेक्स सिरियाक जी को एंड रामकृष्ण जी से मेरी दरख्वास्त है कि आप कृपया मंच पर आइए, एंड रामकृष्ण जी एडवाइजरी मेंबर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। जोरदार तालियां हो जाएगा मान्यवरों, जो ताली नहीं बजाएंगे उनको हम ऐसा मान सकते हैं कि उनका फेलिसिटेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, एक बार तालियां बजा करके हमें बता दीजिए कि सबका फेलिसिटेशन यहाँ पर हो चुका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले
इरिपा प्रेसिडेंशली अशोक के आर पाटिल जी से मैं गुजारिश करूंगी कि सर आप थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि वो कृष्ण कुमार जी को सम्मानित करना चाहते हैं मोतियों की माला, पुष्पगुच्छ और शाल पहनाकर। मुंबई कंट्रैक्टर्स वेलफेयर एंड चैरिटेबल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने इस खूबसूरत से कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इसीलिए मिस्टर अशोक कियार पाठक ने मोतियों की माला शाल पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित करना चाहते हैं। दोस्तों एक बार पूरी सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लिए तालियां हो जाए, पूरी की पूरी टीम के लिए और मिस्टर कृष्ण कुमार जी के लिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले बुलाना चाहूंगी सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विकास यादव जी को कि वो यहाँ पर आए और अपने अनुभव के कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें। इट्स मच टू मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेसिडेंट श्री विकास यादव जी। अब मैं गुजारिश करूंगी सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ट्रेजरर श्री उमेश प्रसाद जी को कि वो यहाँ पर आए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर ट्रेजरर उमेश प्रसाद जी। अब मैं गुजारिश करूंगी सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट सो मच। अब मैं यहाँ पर निमंत्रित करना चाहूंगी इरिपा जनरल सेक्रेटरी श्री राजेश मेघानी जी को कि वो यहाँ पर आए और अपने अनुभव के दो शब्द हमारे साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी श्री राजेश मेघानी जी का। और दोस्तों आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिनको कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है या फिर कोई सुझाव चाहिए तो आप कृपया पूछ सकते हैं। लंच पर जाने से पहले ये डिस्कशन भी यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप हमारे सारे ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं इरिपा के, आप उनसे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर बुलाना चाहूंगी इरिपा वाइस प्रेसिडेंट श्री एलेक्स सिरियाव जी को कि वो यहाँ पर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के मेंबर्स ने जो भी स्पीच दी थी जिसमें कोरोना का भी जिक्र हुआ था, लॉकडाउन जो हम सबने फेस किया था, और उसमें रेलवे डिपार्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, कहीं ना कहीं आप सभी उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप सभी उस कॉन्ट्रीब्यूशन के हकदार है। तो आप सबके लिए मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये सबक हमें सिखाया था लॉकडाउन ने रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से खास करके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो है हमारी रेलवे, और आप सभी का कंट्रीब्यूशन उसके लिए बहुत 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 ही ज्यादा तारीफ के काबिल है। तो मैं आप सभी का एक आम आदमी की तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम शुरू करेंगे हमारा ये जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बातें कही है पाठक सर ने, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। और बहुत ही खूबसूरत जर्नी बताई है पाठक सर ने इरिपा की, तो इस जर्नी के लिए मैं दो लाइंस कहना चाहूंगी कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, यारो अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द इरिपा, योर ब्यूटीफुल जर्नी। और दोस्तों हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे बीच में होंगे एक जीएसटी एक्सपर्ट, तो मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी श्री शांतनु बागवे, जिन्होंने सीए एंड एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है फ्रॉम यूनाइटेड बिजनेस इंस्टीट्यूट फ्रॉम बेल्जियम, जीएसटी एक्सपर्ट है ये, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए शांतनु बागवे जी के लिए। जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है योगेश छाबड़िया जी, उनके बारे में बस इतना ही कहूंगी, योगेश छाबड़िया इज एन एंटरप्रेन्योर, बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड द फाउंडर ऑफ हैप्पियो नियर वे, अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू हेल्प पीपल डिस्कवर देयर ओन इनर ग्रेटनेस एंड डील फुलफिलिंग लाइफ इन ऑल एरियाज।
दोस्तों उन्होंने 500 से ज्यादा कंपनीज में प्रोग्राम किए हैं, जैसे कि IIT, TEDx, मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इतना ही नहीं, मगर उन्हें ये यकीन था कि अगर हम हमारे इनर डाउट्स को ओवरकम करें तो हम हमारा बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो उनके बेस्ट वर्जन को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे दोस्तों द मोटिवेशनल स्पीकर योगेश शाबिया। योगेश शाबिया जी अभी मुंबई कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एंड चैरिटेबल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार जी को कि वो योगेश शाबिया जी को यहाँ पर फेलिसिटेट करें। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूंगा और मैं बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूं ऑल ओवर। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी पार्टी अभी शुरू होने वाली है, लाइव ऑर्केस्ट्रा है आपके लिए, टेस्टी डिनर आपका वेट कर रहा है, और उसके बाद दोस्तों आप में से कई लोग शायद मुंबई में नए भी होंगे तो उनके लिए सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने मुंबई दर्शन की भी यहाँ पर फैसिलिटी रखी है। मुंबई दर्शन के लिए आपके लिए उन्होंने 2 AC buses की अरेंजमेंट की है जो आपको पूरी मुंबई घुमाएंगी और उसके बाद सही सलामत से ही आपके होटल में आपको छोड़ देगी। लेकिन ये होगा डिनर के बाद, और डिनर के पर्पज में आपको बताऊंगी, आपको जैसे आप यहाँ पे निकलोगे हॉल में तो वहीं से डिनर के कूपन्स कलेक्ट करने हैं, वरना आप भूखे सोना पड़ेगा आपको और भूखे पूरी मुंबई घूमना पड़ेगा। बट डोंट वरी, हमारी मुंबई ऐसा कहते हैं कि किसी को भी भूखा नहीं रखती, तो अगर डिनर का कूपन मिस हो जाए तो वो बड़ा पाव खा लेना। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी एरिपा प्रेसिडेंट मिस्टर पाठक सर को यहाँ पर कि वो आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं, तो सब लोगों से मुझे गुजारिश है कि 2 मिनट आप शांति बना कर रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं सारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे पास दिन के सिर्फ 1 मिनट है, और उसमें मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से। दोस्तों आप सभी का फिर एक बार मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी तरफ से, और उसी के साथ सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार जी का मैं एक बार फिर स्वागत करूंगी, फिर धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे योजना की इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया। एक बार सब लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे दोस्तों, क्या बात है, थैंक यू सो मच। और उसी के साथ दोस्तों जाते जाते बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जैसे हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी उसी तरह इस प्रोग्राम का अंत भी करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों, सब लोग अपनी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थ्री टीयर्स टू विजय कुमार। अरे लायन।